ये जो आपने 70+ मेडल्स जीते हैं ये सारे टेनिस की गेम से ही? जी 70+ मेडल्स हैं। घर में सबसे ज्यादा सपोर्ट कौन करता है इनको देख के? मम्मा पापा। दही खाता हूँ, दूध पीता हूँ, बादाम वगैरह खाता हूँ। बच्चे तो खा रहे होते हैं बर्गर शवारमा, आप नहीं ऐसा कुछ खाते? नहीं। ये बच्चा ये है कि इसको अगर स्पॉन्सर मिल जाए, ये बाहर खेले और ये पाकिस्तान का नाम करे, अगर ये बाहर ये बच्चा खेले तो इसको जो कंपनी जो इस टाइम स्पॉन्सर कर चुकी होती है, पाकिस्तान को ये करना चाहिए, मगर इन्होंने नहीं किया। पाकिस्तान सिर्फ वही क्रिकेट को ही देखती है, ये है कि हर स्पोर्ट्स को देखे तो ये सब कुछ मैनेज कर। अस्सलाम नाज़रीन, शाहकार टीवी के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान चंदा बुखारी। नाज़रीन, आज आपकी मुलाकात करवाने जा रही हूँ एक छोटे से बच्चे से, जिसके पास आप देख सकते हैं कि 70+ जो है ना मेडल्स हैं उससे उठाए भी नहीं जा रहे, और ये टेनिस का जो है ना आप कह रहे हैं कि स्टार है, हमारे जो आने वाला वक्त है उसका ही सुपरस्टार बनेगा इंशाल्लाह तारा। बाकी सारी बातें हम इससे भी जान लेते हैं और इनके जो ट्रेनर हैं टीचर हैं उनसे भी बातें करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सबसे पहले अपना पूरा नाम बता दो। मेरा पूरा नाम मोहम्मद एहसान बाड़ी है। ठीक है, तो एहसान साहब आपकी एज क्या है? मैं 8.5 साल है। 8.5 साल 70+ मेडल्स, क्या करते हो? टेनिस खेलता हूँ। कौन सी क्लास में? 6। ये तो टेनिस खेलते हो, तो ये जो आपने 70+ मेडल्स जीते हैं ये सारे टेनिस की गेम से ही? जी। तो ये 70+ मेडल्स हैं, घर में सबसे ज़्यादा सपोर्ट कौन करता है इनको देख के? मम्मा पापा। मम्मा पापा करते हैं। अच्छा, आपको और भी किसी गेम का शौक है या सिर्फ टेनिस ही? टेनिस ही। फेवरेट प्लेयर कौन सा आपका? अल्कारस। नाज़रीन, अभी जो है ना बच्चा शायद थोड़ा शर्मा रहा है, हम इनके ट्रेनिंग से बात करते हैं कि आखिर किस तरह से वो जो है बच्चे को इस तरह ट्रेन करते हैं, और आप लोग जैसा स्क्रीन पे देख भी रहे होंगे कि बिल्कुल उसके साथ एक घुल मिल की तरह टीचर जैसे होता है वैसे परफॉर्म करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। अच्छा सर, ये बताएं कि जब ऐसा स्टूडेंट हो आपका तो आपको कैसा फील होता है? माशाल्लाह से बच्चा बहुत मेहनती है, एक हर चीज़ को जो हम कहते हैं उसको मानता है, और ये है कि इंशाल्लाह इसका जो फ्यूचर है वो बहुत ब्राइट है। कैसे मतलब ट्रेनिंग करते हैं बच्चे की, किस तरह से उसको सिखाते हैं? एक बच्चा अगर आपके पास जीरो पे आया तो आप उसको किस तरह से आगे लेके जाते हैं? जी, हम उनको शुरू से यही है कि अपने बच्चों की तरह ट्रीट कराते हैं, हम ये नहीं कि उनको कोई गुस्से के साथ खिलाते हैं, बस उसको बड़े प्यार और उसको बहुत तरीके से उसको मैनेज करते हैं। इसके साथ डाइट प्लान भी आप लोग बताते हैं? हाँ जी बिल्कुल, डाइट प्लान भी। आपका क्या डाइट प्लान है, क्या क्या खाते हो? मैं घी खाता हूँ, देसी घी खाता हूँ, मक्खन खाता हूँ, और दही खाता हूँ, दूध पीता हूँ, बादाम वगैरह खाता हूँ। बच्चे तो खा रहे होते हैं बर्गर शवारमा, आप नहीं ऐसा कुछ खाते? नहीं। वाह भाई, ये सही है, दिल भी नहीं करता सच में। ये तो क्या आपको यही देसी घी इस तरह की चीज़ें पसंद है? जी। दूध ये सब कुछ, मोबाइल एग वगैरह? जी। सही है नाज़रीन, बड़े जो जिम में अक्सर इंटरव्यू करते हैं वो तो बताते हैं कि हम ये खाते हैं। बच्चा भी आज कह रहा है कि मैं तो फास्ट फूड से बड़ा दूर रहता हूँ। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि इसको आप किस तरह से इसकी ट्रेनिंग की थी, कितने अरसे में इसने सीखा? ये हमारे पास जब ये आए थे मेरे ख्याल से कोई 3 ईयर के थे, जब ये 3 साल के, इसको मैं कोई तकरीबन कोई 2-2.5 साल ही हो गए, बीच में 1 साल कोरोना का भी आ गया बीच में, वो भी स्टॉप कर गया, उसकी वजह से भी गेम जरा काफ़ी पीछे चली गई। तो आपका प्रोसीजर क्या होता है ट्रेनिंग का, जब आपके पास बच्चा आता है किस तरह से उसको लेके चलते हैं, क्या टाइमिंग्स होती हैं, बच्चे के अकॉर्डिंग भी आप लोग देखते होंगे कि बच्चा किस तरह कर सकता है? जी जी, हम बिल्कुल यही होता है कि हम पहले उसको उसके हाथ को देखते हैं, ये किसके हिसाब से ये मैनेज करना है उसको, हम उसको पहले स्टेप बाई उसको इन्वॉल्व करते हैं इन चीज़ों में, तो इन्वॉल्व करके फिर हम उसके हिसाब से उनको खिलाते हैं। ये जो टेनिस गेम है ज़रा इसके बारे में बताएं, बाकी गेम्स मुख्तलिफ है, इसका क्या होता है सारा? ये गेम ज़रा टफ गेम है, बाकी ये थोड़ी सी एक्सपेंसिव भी है कि जिसकी वजह से भी हाँ जी लोग जो इसको थोड़ा सा नहीं खेल सकते, मगर जो अपर हाफ है वो बहुत इसको लाइक करते और खेलते हैं। जो आप सिर्फ टेनिस वगैरह सिखाते हैं या टोटली गेम्स, क्योंकि मुझे तो इतना आइडिया नहीं है। नहीं, मैं सिर्फ टेनिस, मैं खुद भी प्लेयर रह चुका हूँ टेनिस का। हाँ जी। आपका फेवरेट प्लेयर कौन सा है? जी मेरा इस टाइम प्लेयर जो है वो जो रोजर फेडरर है, जो इस टाइम रिटायर हो गया। जो टेनिस गेम है, एक तो है ना लोग क्रिकेट की तरफ ज़्यादा रुझू करते हैं, तो टेनिस का इतना स्कोप क्यों नहीं है? टेनिस का वही बात आपको बताइए कि थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, जिसकी वजह से लोगों को थोड़ी सी मुश्किल होती है इसमें। कोई ये है कि इतना जैसे आप क्रिकेट को ले ले रहे हैं, आपको बल्ला भी आपको थोड़ा सस्ता मिल जाता है, एक बॉल लेनी होती है जिसपे आप सारे वो खेल सकते हैं। बाकी ये कि टेनिस का जो एक डिब्बा जब बॉल्स का है ना, वही 2000 रुपये का डिब्बा है। हाँ जी, और रैकेट भी बहुत एक्सपेंसिव है, जिसकी वजह से लोग जो इतना अफोर्ड नहीं कर सकते।
तो यही है कि अब जैसे ये आसान है तो इसके लिए भी कोशिश यही होनी चाहिए गवर्नमेंट को, इनको कुछ स्पॉन्सर वगैरह। मैं यही अगला सवाल आपसे करने लगी हूँ कि आप मतलब क्या चाहते हैं, किस तरह से बच्चों को सपोर्ट किया जाए, किस तरह से आगे जाए। जाहिर है हमारे पाकिस्तान के लिए हर गेम में जो है स्कोप ज़रा कम ही है, क्रिकेट में थोड़ा ज़्यादा है। जी, इसका स्कोप इसलिए कम है क्योंकि पाकिस्तान में इसको ज़्यादा जो है ना वो नहीं देखा जाता, इसको बस वो हाई लोग ही जो खेलते हैं वो भी शौकिया तौर पे खेलते हैं इस चीज़ को। तो ये है कि ये बच्चा ये है कि इसको अगर स्पॉन्सर मिल जाए, ये बाहर खेले और ये पाकिस्तान का नाम करे। हमारा तो यही है कि इसके साथ, क्योंकि ये बहुत वैसे इसकी गेम बहुत अच्छी इस लेवल पर भी, अभी ये कोई 8.5 साल का, तो ये बहुत तक ऊपर जाएगा इंशाल्लाह, हमारी उम्मीद है। हाँ जी बिल्कुल। इसका अपना भी इंटरेस्ट जो है वो टेनिस की गेम में? जी बिल्कुल ऐसी है। हाँ जी। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जितने हमारे जो स्पेशली इदारे हैं, स्पोर्ट्स के इदारे हैं, बाकी इदारे हैं, उनसे आप क्या कहना चाहते हैं, किस तरह से प्रमोट किया जाना चाहिए? जी प्रमोट बस इनको यही करना चाहिए कि आप सिर्फ क्रिकेट को ना देखें, तो आप ये कि हर जितनी भी हैं स्पोर्ट्स की जो गेम्स वगैरह हैं सबको थोड़ा बहुत इनको अफोर्ड करना चाहिए, तो ये सब उस गेम को लेकर चलेंगे तो ये फिर गेम्स सब एक लेवल पे आएंगी जितनी भी। हाँ जी। सर मुझे ये बताएं कि एक बच्चा आपके पास आता है, वो फ़र्ज़ कर लें टेनिस की गेम के लिए आता है, तो आप उसमें क्या क्या क्वालिटीज़ देखेंगे, उसको किस तरह से मैनेज करेंगे कि इसमें ये कर सकता है या नहीं कर सकता, उसको डाइट प्लान आप उसी के हिसाब से बताते हैं, सब बच्चों के लिए एक जैसा ही होता है? नहीं, सब बच्चों के लिए एक जैसा ही होता है डाइट प्लान जो भी है, क्योंकि उसमें यही होता है कि उबाइल अंडे होते हैं और आप दलिया वगैरह खा सकते हैं, कॉर्नफ्लेक्स खा सकते हैं, जो शेक वगैरह पी सकते हैं, फास्ट फूड से अलादा जो आप सब कुछ खा सकते हैं इसमें। जो बच्चे नहीं खा सकते वो फिर ना खेलेंगे? नहीं नहीं। अच्छा सर मुझे ये बताइएगा, जिस तरह से इस बच्चे के पास MT+ मेडल्स हैं और पंजाब में ये 3 आई थिंक है नंबर पे और पाकिस्तान में अंडर 4 पे है, तो मतलब किस तरह से क्यों नहीं एक बच्चे को सपोर्ट किया जाता हमारे यहाँ पे पाकिस्तान में, अगर इसको किया जाए, प्रमोट किया जाए, ये तो बहुत आगे तक जा सकता है। जी 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 बिल्कुल। ये अब पाकिस्तान में जैसे इसने 17 मेडल जीते हुए हैं, तो ये अंडर 10 में, ये अंडर 5 पे और जैसे कह सकते हैं हम पंजाब में ये नंबर 3 पे है, तो ये कंपनियां जो है कि अगर ये बाहर ये बच्चा खेले तो इसको जो कंपनियां जो इस टाइम स्पॉन्सर कर चुकी होती, जो इनको पाकिस्तान को ये करना चाहिए मगर इन्होंने नहीं किया तक। ये बताएं कि क्यों नहीं इस तरह से किया जाता, एक अगर अभी से एक बच्चे को सपोर्ट किया जाए तो ये बहुत आगे तक जा सकता है। बस इधर वो पाकिस्तान को हम क्या कह सकते हैं, क्योंकि अब पाकिस्तान सिर्फ वही क्रिकेट को ही देखती है, ये है कि हर स्पोर्ट्स को देखा तो ये सब कुछ मैनेज कर दे। बिल्कुल नाज़रीन, आपने पूरा प्रोग्राम देखा है, एंड फिर मैं भी हमारे जो आला हुकाम हैं, स्पेशली जो हमारे स्पोर्ट्स के इदारे हैं, उनसे मैं ये कहना चाहती हूँ कि इस बच्चे को प्रमोट किया जाए ताकि ये पाकिस्तान का स्टार है, जैसे हमारे यहाँ पे क्रिकेट के काफ़ी स्टार थे, जितना टेनिस के भी स्टार पाकिस्तान में मौजूद हैं, तो इनको सपोर्ट किया जाए। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।